Hi, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome. Today I am going to describe the past, present and future energies for Sagittarius. Yani Dhanu Rashi wale logon ke liye hum past, present aur future ki energies aaj dekhne wale hain. Agar aap Sun, Moon, Rising ya Venus se apne aap ko Dhanu Rashi ka samajhte hain तो आप इसको देख सकते हैं. आप चाहे तो इसको हिंदी नामों के हिसाब से यानी आपके नाम के शुरुआती अक्षर के हिसाब से अपने आप को धनु राशि का समझते हैं या बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को धनु राशि का समझते हैं, सेजिटेरियस समझते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको और सभी को रेजोनेट करे बिल्कुल जरूरी नहीं है. इसका कुछ पार्ट आपको रेजोनेट कर सकता है या बिल्कुल आपको रेजोनेट ना करे, ऐसा भी हो सकता है. सो डोंट वरी एट ऑल. अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो इसमें आपकी एनर्जीज भी नजर आ सकती हैं. अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा के अपने बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी और अच्छी गाइडेंस पा सकते हैं. हालांकि अभी फिलहाल मेरे पास मई जून की बुकिंग्स क्लोज हैं और जुलाई की इस वक्त बुकिंग चल रही है, लेकिन इंतजार तो आपको जरूर करना पड़ सकता है. लेकिन इस समय में अगर आप मेरी मुझसे बुकिंग आप ले लेते हैं तो आपको पुरानी प्राइस पर, मेरी ओल्ड प्राइस पर ही आपको बुकिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि 30 जून के बाद जो बुकिंग्स होंगी उनमें मेरे नए प्राइजेस के अकॉर्डिंग बुकिंग हो पाएगी. तो अगर आप एक रीजनेबल प्राइस पर अपने लिए बुकिंग लेना चाहते हैं तो 30 जून से पहले अपने लिए बुकिंग करवा लीजिए. चलिए, ये हुए मेरे अनाउंसमेंट्स और अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए. दिस इज द पास्ट एनर्जी, दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी एंड दिस इज द फ्यूचर एनर्जी. एज यू कैन सी हियर, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में धनु राशि वाले लोग, आप लोगों को पैसों की, मनी की समस्या थी. नाइट ऑफ एरियल, पैसा आ रहा था लेकिन थोड़ा करके आ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था. आप अपने आप को बहुत काम में झोंक रखे थे, आप काफी सिंसियरली आप वर्क कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए तो उस तरीके से रिजल्ट्स आपको नहीं मिले अपनी लाइफ में पास्ट में. अब ये पास्ट आपका रीसेंट पास्ट हो सकता है, आपका फार पास्ट हो सकता है, या आपकी ये पास्ट लाइफ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. ओके, तो पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी मेहनत कर रहे थे, काफी प्रयास कर रहे थे और स्लो एंड स्टडी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. आप अपने आप को टिकाए रखने की, मजबूती से टिकाए रखने की कोशिश कर रहे थे. आप जंग, जिंदगी की जंग में धीरे ही सही लेकिन जीतने का लगातार प्रयास कर रहे थे, एक डिवोटेड प्रयास आप कर रहे थे और आपको विश्वास था कि आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आपको उसके अकॉर्डिंग फायदा भी मिलेगा. और साथ ही साथ भले ही आपको मनी की प्रॉब्लम रही हो, स्टिल आप चीजों को बहुत अधिक आप टेंस नहीं थे. आप अपने पूरे डिवोशन के साथ, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ काम किए जा रहे थे और लाइटर एनर्जीज में लगातार, मतलब खुश रहने की, कठिन परिस्थिति में भी खुश रहने की आप लगातार कोशिश कर रहे थे. इस तरीके का मुझे आपके लिए नजर आता और आपको पास्ट में ऐसा लगता था कि आप इस जिंदगी में बहुत कुछ अकम्प्लिश करने आए, बहुत कुछ लेने या बहुत कुछ बनाने के लिए आए हैं और आप लगातार नए नए प्लान्स के ऊपर काम कर रहे थे. लगातार आप अपने प्लान्स को रिव्यू कर रहे थे और अपनी एक एक डिटेल्स को देख रहे थे कि कैसे मैं जिंदगी को ठीक करूं या कैसे मैं अपने प्लान्स को ठीक करूं, और लगातार प्रयास आप जिंदगी में पास्ट टाइम में आप करते रहे थे. और आप मे भी हो सकता है, अगर आप बिजनेस में थे तो आप किसी बेटर जॉब की तलाश में थे, या अगर आप जॉब में थे तो आप उससे अच्छे जॉब की तलाश में, और हम ये कह सकते हैं कि आप लगातार ग्रोथ की दिशा में आप चाहते थे कि आप निरंतर प्रयत्न के द्वारा एक बड़ी हस्ती बने या एक बड़ा सफलता हासिल करें. इस तरह का आपकी विचारधारा शुरुआत से रही थी. बड़े ख्याल, बड़े सपने देखना, बड़े विचार रखना, महत्वाकांक्षी होना, ये आपका पास्ट रहा है मुझे ऐसा लगता है. हालांकि आपके दिल में काफी लोगों के लिए दया रही होगी और आप दूसरों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आप एक काइंड हार्टेड, एक लॉयल, एक ट्रस्ट वर्दी, एक फनी और एक क्रिएटिव पर्सन रहे होंगे और आपके एक्शंस को समय समय पर ईश्वर की तरफ से रिवॉर्ड भी दिया गया होगा. लेकिन
आपका जो और आपका पूरा ध्यान वाइस इन्वेस्टमेंट्स पर लगा रहा है, यानी कि ठीक तरीके से कहां पर मैं अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करूं या ठीक तरीके से मैं कहां पर अपनी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके, इस तरह की एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। ओके, और उसके बाद भी हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट एनर्जीज की, थ्री ऑफ गैब्रियल एनर्जीज की, प्रेजेंट में आपके साथ में इस वक्त में क्या चल रहा है। तो देखिए, इस कार्ड पर लिखा है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स एंड ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। सो डेफिनेटली मैंने आपको जैसा बताया कि पास्ट में आपने अपने लिए गोल सेट किए थे कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, देयर इज मच टू अकम्प्लिश, और आपने मेक अ वेरी डेडिकेटेड प्लान, डिटेल्ड प्लान, आपने अपनी लाइफ के लिए डिटेल डेडिकेटेड प्लान बनाए और आपने लगातार प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में प्रॉस्पेरिटी ये जो आपको मिल रही है, आपको जो सफलता मिल रही है प्लानिंग की वजह से मिल रही है। हो सकता है कुछ धनुराशि के लोग अभी भी इस एनर्जी में हो, पास्ट में मतलब अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप धनुराशि के लोग ये मान के चलिए कि अगर आपकी फ्यूचर एनर्जी है तो अगर आप वाइज प्लानिंग करते हो, लगातार प्रयास करते हो, तो आपको अपनी प्लानिंग के अच्छे नतीजे आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप लगातार एक्शन लेते रहिए, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते रहिए, तो आप इस हायर एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे, और आप जो भी प्लान बनाएंगे ऑप्टिमिस्टिक रहकर, पॉजिटिव रहकर आप जो भी प्लान बनाएंगे वो प्लान वैसे ही एग्जीक्यूट हो पाएंगे जैसे कि आप चाहते हैं, क्योंकि इस एनर्जी में ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में आपने जो प्लान बनाए थे वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो गए, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें निकल कर आई हैं, और इस वक्त में आप काफी प्रॉस्पेरिटी को, काफी गुड टाइम को इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग मुझे लगता है अभी भी इस स्टेज के अंदर रहे होंगे, और ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज हो सकती हैं। और आपने पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी है, तो आपने पास्ट में अपने लिए जो गुड चॉइसेस बनाई थी उनकी वजह से चीजें उसी तरीके से हो रही हैं जैसे आप चाहते थे। आप काफी समय से आपने प्लान किया था, आपने वेट किया था, आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया था, आपने लॉन्ग टर्म अपने लिए प्लानिंग किया था, और उस सब का जो गुड रिजल्ट्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रेजेंटली आप बिजनेस पर्पज से, अपने करियर वाइज आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह लोगों के साथ कनेक्शंस बना रहे हो, अपने बिजनेस को आप फैला रहे हो, या आप ट्रेवल कर रहे हो ताकि आपके कनेक्शंस इंक्रीज हो। आप काफी इस समय में एंथुजियास्टिक हैं, आप काफी उत्साहपूर्ण हैं, और आप आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लान्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपको जो फैंटास्टिक रिजल्ट्स अब तक मिले हैं उनको, उनसे उत्साहित होकर आप आगे और अधिक अच्छे फाइनेंशियल और एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं, पेशेंस के साथ प्लान बनाने को तैयार हैं। इस वक्त में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, आप काफी सकारात्मक हैं, और आपको जिंदगी ने अपनी मेहनत के अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स दिए हैं, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं फाइव ऑफ रफायल कार्ड की, या कि फ्यूचर एनर्जीज हैं। इस पर लिखा है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। सी, जब भी आप प्लानिंग के साथ काम करते हो तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की, प्रेजेंट में आप चीजों को एंजॉय कर रहे हो और आगे की आप प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले जितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने की आपने प्लानिंग की हो, या जितने अच्छे रिजल्ट्स आपने मिलने की उम्मीद की हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, जो कुछ भी होता है एक अच्छे कारण के लिए होता है, सही के लिए होता है, तो इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ समय के लिए आपका फोकस खराब हो जाए, क्योंकि आपके साथ चीजें उस तरीके से ना हो रही हो जैसे आप चाहते हो, या आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीजें ना रही हो। लेकिन ऐसे समय में, फ्यूचर में, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके भले के लिए ही हुआ होगा। ओके, तो इस तरह के आपके लिए कार्ड है। और फ्यूचर के अंदर दोनों बातें हो सकती है, फ्यूचर के अंदर ये भी हो सकता है कि आपने
क्योंकि इस वक्त में आपका प्लानिंग का समय है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इस वक्त में आप जो प्लानिंग्स बना रहे हैं वो प्लानिंग्स बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुई हो, तो फ्यूचर में आप उन चीजों का रिग्रेट नहीं करेंगे। आप इन चीजों को समझेंगे कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो प्लान्स फेल हो गए वो अच्छे के लिए हुए थे, और उनमें क्या लेसन सीखने की जरूरत थी वो लेसन आप सीख लेंगे, आप रिग्रेट नहीं करेंगे और आप बिना पछतावे के जिंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे जो कुछ भी चैलेंजेस आपकी, और आप नए डायरेक्शन बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि प्रेजेंट में आप जो प्लान बना रहे हैं उसमें से कुछ प्लान्स अगर फेल हो जाएंगे तो भविष्य में आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, आप अपना रूट चेंज कर सकते हैं। आप बिना पछताए और इस चीज को समझते हुए कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, आप अपने लिए एक नया पाथ बना लेंगे, एक नई डायरेक्शन में आप चले जाएंगे और उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जहां पर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती हो, जहां पर आपको फिर से नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हो, इस तरह का मुझे लगता है। मुझे ये भी लगता है कि आप भविष्य में आप अपने जो भी आपने गलतियां की है उनसे आप सीख लेंगे, उनसे आप सबक सीखेंगे और आप लोगों के प्रति अधिक दयालु बनेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हो सकता है कि शायद आप अपने आप में ही ज्यादा उलझे हुए हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की प्लानिंग्स में ही आप ज्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में जाते हुए ऐसा होगा कि आप लोगों के प्रति ज्यादा दयालुता के साथ व्यवहार कर पाएंगे, आप अपना फोकस चेंज कर देंगे। इस वक्त हो सकता है आपका बहुत अधिक फोकस केवल अपने करियर पर हो, अपने फाइनेंसेस पर हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ पर हो, लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखता है कि जो लोग इस एनर्जी में हैं, सजिटेरियस पीपल जो इस वक्त बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन या मटेरियलिस्टिक करियर या फ्यूचर के ऊपर ही जिन्होंने फोकस कर रखा है, बाद में जाकर उनका फोकस बदल जाएगा, बाद में जाकर उनका फोकस रिलेशनशिप फैमिली के ऊपर आ जाएगा। और आप जब आप शायद फ्यूचर में जब आप कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग्स में फेल होंगे, उस वक्त आप उन लोगों की तरफ मुड़ जाएंगे जिनको आप हमेशा प्यार करते थे या जो आपको हमेशा प्यार करते थे और जिनको आप अपनी बिजनेस की वजह से ज्यादा समय नहीं दे पाए थे, ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे रिश्तों की तरफ फ्यूचर में आप रीराउट हो जाओगे, आप फ्यूचर में अपना डायरेक्शन बदल लोगे, इसकी संभावना लगती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर आप पहुंचेंगे कैसे, ये हमारे पास इस एनर्जी तक आप कैसे पहुंचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस रीडिंग का जो कोर्स ऑफ एक्शन निकल के आया, इस पास्ट में भी आप अपनी सफलता के लिए काफी प्रयास कर रहे थे, प्रेजेंट में भी आप प्लानिंग के साथ सफलता का प्रयास कर रहे हैं और आपने सफलताएं हासिल भी की हैं, लेकिन फ्यूचर में आपका बहुत अधिक ध्यान मटेरियल के ऊपर नहीं रह जाएगा, फ्यूचर में आपका बहुत अधिक ध्यान एक्शन पर और मनी पर नहीं रह जाएगा, बल्कि फ्यूचर में आपका ध्यान रिश्तों पर होगा, प्यार पर होगा। और जो अपने सफलता के इस यात्रा के दौरान आपने जिन रिश्तों के साथ में दूरियां मेंटेन कर ली थी और आपने जिन लोगों के साथ में एक रिश्ता आपका टूट सा गया था या खिंचाव हो गया था जिन लोगों के साथ आपका, आप फिर से उन रिश्तों को अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करेंगे, उन कनेक्शंस को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे जो प्यार के धागे टूट गए थे, उन प्यार के धागों को आप रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट में आप काफी हद तक मनी ओरिएंटेड फाइनेंशियल ट्रबल्स से जूझ रहे थे, प्रेजेंट में आप उन फाइनेंशियल ट्रबल्स से ओवरकम करने के लिए एक्शन मोड में हैं, आप खूब काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि प्रयास और पैसा नहीं बल्कि प्यार ही जो है वो जिंदगी की सच्चाई है और प्यार ही आपको संपूर्णता, प्यार ही संतुष्टि का एहसास दिला सकती है। इस तरीके से आपकी लाइफ जर्नी सजिटेरियस पीपल धनुराशि के लोग चलने वाली है। तो चलिए इस जर्नी पर आप कैसे पहुंचेंगे, पैसे से, काम से, प्यार की दिशा में ये बढ़ने की जो जर्नी मुझे नजर आ रही है, इस पर पहुंचने के लिए आपको क्या रास्ता अपनाना होगा, किस तरीके से आप पहुंचेंगे, तो मेरे पास कार्ड्स हैं, कॉन्फिडेंस इज योर की, और यहाँ पर दूसरा कार्ड है मेरे पास में यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो कैसे पहुंचेंगे ये कार्ड्स, आपको क्या बताना चाहते हैं इन कार्ड्स में से जो मैसेज निकल के आता है। पहला ये जो कार्ड है जो हमारे पास निकल कर आया, दिस वन, ये न्यू मून इन लियो कार्ड है। न्यू मून इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग या लियो इज लाइक अ कॉन्फिडेंस। तो न्यू नई शुरुआत, जिंदगी की नई शुरुआत, कॉन्फिडेंस के साथ नई शुरुआत। पहली बात तो श्योर है धनु राशि के लोग आपके लिए कि आप अपनी जिंदगी में चाहे जिस भी फेज से गुजरे हो, चाहे आप फाइनेंशियल ट्रबल के फेज से गुजरे हो या आप वर्क चैलेंजेस के फेज से गुजरे हो या आप रिलेशनशिप के चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोएंगे और आप हर बार एक चैलेंज सामना करने पर आप एक
नई बिगिनिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप एक नई बिगिनिंग करेंगे। हर बार जब भी आप फेलियर को आप फेस करेंगे तब आप कॉन्फिडेंस के साथ में, चाहे फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग करनी पड़े या एक्शन में या वर्क में आपको न्यू बिगिनिंग करनी पड़े या रिलेशनशिप में आपको न्यू बिगिनिंग करनी पड़े, आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहेंगे और यही चीज आपको इस जर्नी पर आगे लेकर जाएगी। ओके और दूसरा कार्ड है यहाँ पर यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो इस जर्नी पर आप कैसे जाएंगे, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ काफी अच्छी तरीके से मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर ये लियो एनर्जी और यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, तो पहले आप काफी मटीरियलिस्टिक एनर्जीज में रहे होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे आप देख सकते हो कि ये येलो एनर्जी कैसे ब्लू और वॉयलेट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी आप पहले एक्शन ओरिएंटेड रहे होगे, मटेरियलिस्टिक रहे होगे, लेकिन धीरे धीरे आप इमोशनल साइड को, अपनी इमोशनल साइड को टैप इन कर लोगे, रिश्तों को, इमोशंस को, प्यार को, अपने परिवार को, अपने प्यार करने वाले लोगों को आप धीरे धीरे अधिक अहमियत देने लगोगे और आपको समझ में आएगा कि जितनी जरूरत 3D मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस की उतनी ही अधिक अपने जो अपने अपने कहलाने वाले जो लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं उनके साथ एक बेटर लाइफ को अगर आप जी सकें तो उससे वह भी एक अपने आप में एक तरह की सफलता ही होती है। इस लेसन को सीख कर आप अपनी जिंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इस मटीरियलिस्टिक एनर्जी से होते हुए इस लव एनर्जी के अंदर आप पहुंच जाओगे। और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे आप अपने गोल्स को रिव्यू करोगे, आप अपने गोल्स को चेंज करते जाओगे। पहले आपका लक्ष्य मटेरियल लक्ष्य थे लेकिन बाद में जाते हुए रिश्ते और प्यार आपके लिए, रिलेशनशिप्स आपके लिए जो मेन लक्ष्य अपनी जिंदगी का बन जाएगा। और आप पहले भले ही आप लाइक सक्सेस को फर्स्ट रखते होगे, सक्सेस को प्रायोरिटी देते होगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी जिंदगी में आप फैमिली को, रिलेशनशिप को आप प्रायोरिटीज देने लगोगे। आप जो लोग आपसे दूर चले गए उन लोगों को अपनी पास बुलाने की कोशिश करोगे आप, और आप इस तरीके के लक्ष्य निर्धारित करोगे कि आप परिवार के लोगों का साथ आपका बना रहे, प्यार आपके जिंदगी में बना रहे, उस तरीके के लक्ष्य आप अपने लिए निर्धारित करोगे। और ये भी संभव है कि पहले आप शायद काफी एंगरफुल एनर्जीज में रहे हो या केओटिक एनर्जीज में या एंग्जाइटी डिप्रेशन वाली एनर्जीज में रहे हो, लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा आप मेडिटेशन के द्वारा या प्रेयर्स के द्वारा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे और आप काफी काम कूल एनर्जीज में आ जाओगे। पहले आप काफी इनसिक्योरिटीज फील करते रहे हो लाइफ को लेकर, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे तो आपके अंदर इनसिक्योर एनर्जीज खत्म होती जाएंगी और आप काफी सिक्योर अपने आप को फील करने लग जाओगे। तो इस तरीके से सजिटेरियस पीपल आप अपनी जिंदगी में कोर्स में आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और अब मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि आप इस जिंदगी का आपका आउटकम क्या होगा, इस जिंदगी से आप आखिर में जब जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर दो कार्ड हैं, द सन डांसर्स कार्ड, जॉयफुल एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अबंडेंस एंड द लेडी ऑफ द लाइटनिंग कार्ड, सरप्राइजेस समटाइम्स शॉक टोटल पैराडाइम शिफ्ट। बहुत खूबसूरत आप इस जिंदगी से जो लेसन सीख कर जाने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत लेसन आप सीख कर जाने वाले हैं। पहली चीज जो आप सीख कर जाने वाले हैं द सन डांसर्स, आप मोमेंट टू मोमेंट जीने में विश्वास करने लगेंगे बहुत अधिक, क्योंकि आप पहले बहुत अधिक जैसे फ्यूचर की चिंता करना या इनसिक्योरिटीज में रहना या एंगर या प्राइड में रहना, लेकिन जब आप इस जिंदगी से जाएंगे तो आप जॉयफुल एनर्जीज में जाएंगे, मस्ती करना, मजाक करना, जॉय करना, जॉयफुल एक्टिविटीज करना, लाइफ को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, अपने लोगों के साथ में लाइफ को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, हर दिन को पूरी जिंदा दिली के साथ कैसे जिया जाता है, ये चीज आप सीख कर इस जिंदगी से जाएंगे और आप इस चीज का मतलब समझ कर जाएंगे कि ट्रू अबंडेंस, एक्चुअल समृद्धि क्या होती है। एक्चुअल समृद्धि वो जॉय होता है, वो आनंद होता है जो आप अपनी जिंदगी में लेते हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण, जो आनंद आप महसूस करते हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण जिंदगी को जो आप सेलिब्रेट करते हैं, वही आपका एक्चुअल अबंडेंस होता है, वही आपका असली धन होता है। ये आपकी सोल इस लाइफ टाइम में सीख कर जाएगी। इसके अलावा आपकी लाइफ, आपकी सोल क्या सीख कर जाएगी, द लेडी ऑफ द लाइटनिंग, सरप्राइजेस समटाइम शॉक टोटल पैराडाइम शिफ्ट। यस, आप अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि आप शुरुआत में काफी मटेरियलिस्टिक शायद रहे होंगे या सक्सेस आपको बहुत बड़ी सक्सेस आपको अचीव करने महत्वाकांक्षी आप जैसे कि आप रहे होंगे, लेकिन जिंदगी ने आपको एक के बाद एक कई बिग सरप्राइजेस दिए होंगे, चीजें आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई होंगी, समटाइम्स शॉक कई बार आपको जिंदगी ने झटके दिए होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के झटके हो या पैसों से रिलेटेड
झटके हो या स्वास्थ्य संबंधी झटके हो, और ये झटकों से और इन सरप्राइजेस से अल्टीमेटली आपकी सोल ये सीख जाएगी कि वर्तमान क्षण में जीना, वर्तमान क्षण को एंजॉय करना और जो जिंदगी ईश्वर ने आपके लिए बताई की है, बनाई है, उसको सेलिब्रेट करना ही सच्ची सफलता है। और इस तरीके से आपकी सोल जो शुरुआत में सक्सेस के पीछे भागने वाली सोल थी, अंत में जॉय में, आनंद में स्थापित हो जाएगी। इस तरह का टोटल पैराडाइम शिफ्ट, इस तरह का कंप्लीट, जिसको हम बोल सकते हैं 180 डिग्री का टर्न आपके पैराडाइम में हो जाएगा, आपकी सोल के सोल सिग्नेचर में हो जाएगा, आपके सोल ब्लूप्रिंट के अंदर हो जाएगा। धनुराशि के लोग, आप कंप्लीट, आपकी जो सोल की ब्लूप्रिंट है इस लाइफ टाइम में कंप्लीटली बदल जाने वाली है। एक कंप्लीट मटेरियल लाइफ स्टाइल से एक कंप्लीट जॉयफुल लाइट के अंदर, जॉयफुल लाइफ के अंदर आप आने वाले हो। आप अपने रिलेशनशिप्स को, फैमिली को एंजॉय करें और आप प्रेजेंट में, कंप्लीटली प्रेजेंट में खुश रहना सीखें और सरप्राइजेस को सरप्राइजेस की तरह लें, शॉक की तरह नहीं लें। इस तरह के पैराडाइम शिफ्ट में धनुराशि के लोग आप जरूर से आ जाओगे जब आप इस जिंदगी के कोर्स में आप आगे बढ़ोगे। तो ये थी धनुराशि सजिटेरियस पीपल आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।